दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे गोहान एंड गोकू की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड कैसे गोहान और गोकू एक दूसरे को बलातों और घूसों की बरसात कर रहे होते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी नहीं हार मान रहा होता है एंड आज की पार्ट में हम ये देखेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गोहान एंड गोकू दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड दोनों ही काफ़ी थके हुए लग रहे होते हैं, पर हालांकि गोकू को ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस लड़ाई में, आप देख के पता लगा सकते हो। इसके बाद हम किसी एक दूसरे प्लैनेट को देखते हैं जो कि प्लैनेट अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। हम देखते हैं कि एक शख्स तैयार हो रहा होता है कहीं पर जाने के लिए एंड वो बोलता है कि ये मशीन तो कमाल की है, सिर्फ कैकोरोट के एक क्लोथ के मदद से मैं उसे अभी काफ़ी आसानी से ढूंढ सकता हूँ एंड अब मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ आखिर इतनी कीमती क्यों है। एक ही चीज़ मुझे बार बार सोचने में मजबूर कर रही है कि आखिर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके कैकोरोट यहाँ तक पहुँच पाया, आखिर वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करके इतनी दूर आ गया इतने कम टाइम में। पर मुझे पता है मेरे सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स एक शिप में बैठने वाला होता है। वो शख्स बोलता है कि ये शिप तो बहुत ही पुराना है, पर क्या कर सकते हैं, मेरे पास अभी यही एक लौता शिप है और वैसे भी मैं इसे अभी आखिरी बार यूज़ करने वाला हूँ, मुझे अभी काफ़ी लंबा सफ़र करना है तो शायद मैं कोई शॉर्टकट ढूंढ पाऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद वो शख्स बोलता है कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैकोरोट से मिलने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैंने कैकोरोट को पहली बार तभी देखा था जब उसका जन्म हुआ था, उसका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था जिसके वजह से कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था कि वो एक सेयन है एंड उसके फादर भी उसे हेट करते थे क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था। मुझे कैकोरोट की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पर जब तक मुझे पता चलता कि कैकोरोट को कौन से प्लैनेट में भेजा गया है तब तक फिजा ने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद मैंने भी कैकोरोट को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर थक हार के जब मैं हार मानने वाला था तब एक न्यूज़ फैल गई पूरी गैलेक्सी में कि एक सेयन ने फ्रीजा को हरा दिया। तब मुझे पता चल गया कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए एंड तुमने हमारे लोगों का बदला फ्रीजा से ले लिया उसे हरा कर एंड तुमसे और मिलने की अपॉर्चुनिटी आज मुझे भी मिली गई आखिरकार। मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर मेरा ब्रदर ये देख पाता उसके सन को सुपर सेयन में बदलते हुए। अब समय आ चुका है यहाँ से निकलने का, चलो देखते हैं कौन सा वाला था। वो ये वाला था एंड इसके बाद उस शख्स की शिप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम वेजिटा और गोटेन को देखते हैं। वेजिटा गोटेन से बोलता है कि क्या शिप तैयार है जाने के लिए, गोटेन बोलता है कि हाँ। इसके बाद गोटेन वेजिटा से बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मेरे फादर को हरा पाओगे वो भी बिना सुपर सेयन 4 में बदले। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि चुप रहो गोटेन। इसके बाद गोटेन वेजिटा से बोलता है कि ये बात तुम याद रखो कि तुम्हारे पास अभी टेल नहीं है, वो अलग बात है कि इस प्लैनेट के कंडीशन के वजह से हम सुपर सेन 3 स्टेज तक पहुंच पाए, पर हम अभी भी सुपर सेन 3 स्टेज को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सुनने के बाद वेजिटा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम चुप रहो, मुझे ये सब कुछ पता है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि धत तेरी की, मुझे अभी वापस से उस मशीन का इस्तेमाल करना होगा। गोटेन वेजिटा से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वेजिटा बोलता है कि मैं एक कॉल कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद गोटेन हैरान रह जाता है। गोटेन बोलता है कि कॉल, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हम कॉल कर सकते हैं। वेजिटा गोटेन से बोलता है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं इसके बारे में। इसके बाद गोटेन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है, वो बोलता है कि शायद वो मुझे पूरी तरीके से भूली गई रहेगी। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि बुलमा क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, पर तुम अभी कहाँ पर हो। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ अर्थ में, क्या तुमने कैकोरोट को देखा। इसके बाद बुलमा बोलती है कि गोकू, गोकू को तो मैंने तब से नहीं देखा जब से वो शेनरॉन से जा मिला था, बट एक एविल शख्स आया है जिसके साथ गोहान अभी लड़ रहा है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि हाँ मैंने देखा, मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लड वेव जनरेटर को गोहान तक पहुँचा दो, मैं भी वहाँ तक पहुँचता हूँ। इसके बाद बुलमा बोलती है कि वो अभी चार्ज हो रहा है, जैसे ही उसका चार्जिंग पूरा हो जाएगा एंड वो तैयार हो जाएगा वैसे मैं उसे पहुँचा दूंगी। इसके बाद ट्रंक्स बुलमा से पूछता है कि क्या फादर थे, क्या वो वापस अर्थ आने वाले हैं। इसके बाद बुलमा ट्रंक से बोलती है कि वो चाहते हैं कि मैं ब्लड वेव मशीन को जहाँ पर गोहान है वहाँ तक पहुँचा दूँ। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि पैन तुम यहीं पर रुको, तब तक मैं गोहान की मदद करने की कोशिश करता हूँ एंड इसके बाद पैन बोलते हैं कि हाँ ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स वहां से निकल जाता है ताकि वो गोहान की मदद कर सके। एंड हम देखते हैं कि टीवी पर भी उसी सिटी को दिखा रहे होते हैं जिस सिटी को गोकू ने डिस्ट्रॉय किया था। इसके बाद हम मास्टर रोशी और क्रिलिन को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि मास्टर रोशी एंड क्रिलिन दोनों ही वो न्यूज़ देख रहे होते हैं टीवी पर। हम देखते हैं कि क्रिलिन काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो गया है क्योंकि ये स्टोरी ड्रैगन बॉल जीटी के बाद की है, यानी कि जीटी के बाद के टाइमलाइन की है। इसके बाद हम वापस बैटल पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान पंच मारने की कोशिश करता है गोकू को, पर गोकू उसके पीछे चला जाता है एंड गोकू बोलता है कि अब मरो। एंड इसके बाद वो एक बीम अटैक कर देता है गोहान के ऊपर एंड ये अटैक गोहान को लग भी जाता है। हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही पावरफुल था एंड गोहान को ये अटैक लगता है देख सुप्रीम काय एंड ओल्ड सुप्रीम काय भी घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान भी काफ़ी पेन में लग रहा होता है एंड इस अटैक के पटने के बाद हम देखते हैं कि हर जगह धूली धूल होती है, हमें गोहान कहीं नहीं दिख रहा होता है। इसके बाद गोकू के बॉडी के अंदर जो शख्स है वो बोलता है कि मैं उसकी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो मारा जा चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है एंड हम देखते हैं कि गोहान उसके पीछे ही होता है एंड गोहान गोकू से बोलता है कि तुम मुझे कहाँ पर ढूंढ रहे हो। एंड ये बोलने के बाद गोहान एक जोरदार पंच मारता है गोकू को। ये पंच खाने के बाद गोकू सीधा जमीन पे जा गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठने की कोशिश करता है एंड गोहान उसके पीछे ही खड़ा हुआ होता है एंड वो बोलता है कि मैं उस अटैक को एक्सप्लोजन से पहले ही रोक सकता था एंड उसे अवॉइड कर सकता था। इसके बाद गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया है वो बोलता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता था कि जितने टाइम तक मैं कैद था उतने वक्त में तुम्हारे जैसे इतने पावरफुल बीइंग भी आ जाएंगे एग्जिस्टेंस में। इसके बाद गोकू बोलता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं बस ये बैटल मजे करने के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि ये बैटल तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। इसके बाद गोहान गोकू से बोलता है कि अगर तुम मजे के लिए लड़ रहे हो तो तुम अपने पूरे पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। इसके बाद गोकू बोलता है कि मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे और मेरे पावर लेवल के बीच बहुत कम गैप है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट सेम पावर लेवल पे है एंड मैं इस बारे में चिंता भी नहीं करता क्योंकि अंत में कोई ना कोई तो थक ही जाएगा एंड मैं ये गारंटीज के साथ बोल सकता हूँ कि वो तुम ही होगे। इसके बाद गोहान बोलता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही अभी सेम पावर लेवल पर है और हम दोनों के पास ही अभी ज़्यादा ताकत नहीं बची हुई है एंड ये बैटल अभी कोई भी जीत सकता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ जब तुम मरने वाले होगे। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि मेरे पास अभी एक टेक्निक है जिसका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है एंड उसका मैं अभी टेस्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर। एंड इसके बाद गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया है वो कामेहामेहा का पॉइंचर बनाने लग जाता है एंड ये देख के गोहान भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलते हैं कि वो टेक्निक। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कामेहामेहा बनाने लग जाता है एंड गोहान बोलता है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो अपनी सारी ताकत एक ही अटैक में लगाना चाहता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा गोहान के ऊपर शूट करने ही वाला रहता है एंड गोहान ये देख के पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि रुको, ये मत करो, ऐसा मत करो, अगर तुम इस पावर लेवल के साथ इस अटैक को करते हो तो ये पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया था वो बोलते हैं कि अब मैंने देखा कि इस टेक्निक का पावर लेवल कितना है एंड ये टेक्निक कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बट मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करता इस प्लेनेट को क्या होगा इसके बाद एंड वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैं तो टेलीपोर्ट कर सकता हूँ तो मैं इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में इंस्टेंटली चला जाऊँगा, पर तुम क्या करोगे। इसके बाद गोहान अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये बोल तो बिल्कुल सही रहा है, पर अगर वो फेल हो जाता है इस अटैक को करने से तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी एंड ये बात तो उसे पता होनी चाहिए, तो वो इतना रिस्क क्यों उठा रहा है। मैं इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना चाहता था ताकि वो अर्थ को ज़्यादा डैमेज ना पहुंचा पाए, मुझे लगा नहीं था कि हम फाइट करते करते इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और लगता है अभी मुझे कुछ करना ही होगा इसे बचाने के लिए, मुझे कैसे तो करके इस अटैक को होने से रोकना ही होगा क्योंकि ये अटैक अगर कर देता है तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान आसमान की तरफ जाता है एंड गोकू को लगता है कि वो बचने के लिए भाग रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान टायोकिन का इस्तेमाल कर देता है एंड इसके बाद क्या होता है आप सबको तो पता ही है, गोकू कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है एंड वो बोलता है कि धत्तेरे कि उसने मेरी आंखों के साथ क्या किया। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान जमीन पर उतरता है एंड गोकू के ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे कि गोकू एक चट्टान से जा टकराता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठता है एंड वो बोलता है कि ये गेम ख़त्म हो गया बच्चे। एंड ये बोलने के बाद गोकू के चेहरे पे एक एविल स्माइल होती है
एंड ये देखने के बाद गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, गोकू के पास अभी भी क्या टेक्निक बची हुई है, या फिर वो सिर्फ ऐसे गोहान का ध्यान भटकाने के लिए बोल रहा है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।